हजरत मोहतरम शबाब इस्लामी पाकिस्तान का मंशूर ये है कि शबाब इस्लामी पाकिस्तान वफादारी रसूल का अमली जज्बा, वफादारी रसूल की अमली तफसीर और वफादारी रसूल का अमली नमूना नौजवानों को बनाना चाहती है। और शबाब इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म से आज की ये तहफ्फुज नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस ये इस बात की अम्माद है कि हमारे नौजवान जहाँ पे हुजूर से मोहब्बत का सबूत देने के लिए आज हुजूर की नामूस के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, हम वादे तौर पे बताना चाहते हैं कि हुजूर की नामूस के लिए हुजूर की इज्जत नामूस और हुजूर की नामूस के तहफ्फुज के लिए कायदे शबाब इस्लामी की काल पे शबाब इस्लामी पाकिस्तान का हर हर कारकुन, शबाब इस्लामी पाकिस्तान का हर हर नौजवान ये सिर्फ दावा नहीं है बल्कि अपनी जान अपना माल अपनी इज्जत सब कुछ नबी की नामूस पे कुर्बान करने के लिए हमारा वक्त तैयार है। और हर मुसलमान नौजवान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि नबी की नामूस पर नबी की इज्जत पर अगर कोई आंच आए तो मोहम्मद अरबी के ये दीवाने मोहम्मद अरबी के ये मस्ताने ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी की नामूस भी आंच आने नहीं देंगे। हज़रात मोहतरम बनाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हुजूर नबी रहमत की बारगाह में हक़ नात पेश करने के लिए जनाब मुमताज कादरी साहब को भी तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज में नबी रहमत की बारगाह में हक़ नात पेश फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा हैदरी, नारा हैदरी رسول وسلم حبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله امام اهل السنه مجدد دین و ملت مولانا شاہ جہاں محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ہو سکے تو کہ ہم حضرات مل کر پڑھیے گا سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے مشعل میں
के कलबों का धो मन है आते हयात, जिसके कलबों का धो मन है आते हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे Yeah.